Hi everyone, this is Anjali and welcome to my channel. So, aaj hum karenge another set of questions based on numerical aptitude as well as logical reasoning. So, ye jo questions hain ye bahut hi important hote hain jab aap kisi competitive exam ki ya entrance exam ki taiyari kar rahe hote hain. And they are also very useful for improving your logical and critical thinking, right? So, chaliye shuru karte hain aaj ke 10 questions se. So, पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ फोर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 1290 द ग्रेटेस्ट ऑफ देम इज कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है जो एक साथ हो लाइक फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर थर्ड नंबर फोर्थ नंबर ठीक है तो आपको क्या करना है आपको एज्यूम कर लेना है कि उसमें से एक नंबर कुछ है लेट्स से मैं यहाँ पर कह देती हूँ कि लेट इट बी लेट्स लेट द फर्स्ट नंबर इज एक्स राइट सो आपका पहला नंबर अगर x है तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है तो इससे अगला नंबर x प्लस वन होगा उससे अगला नंबर x प्लस टू होगा और उससे अगला नंबर x प्लस थ्री होगा तो हिंट तो आपको मिल गया और अगर अभी तक आपने वीडियो पॉज नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिर रिज्यूम करके देखिए कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं सो यहाँ पर अब इसका सम निकालेंगे इसका सम क्या निकालेंगे x प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस थ्री is equal to 1290, right? So it's equal to 1290. ये क्या बन जाएगा? 4x plus 6 is equal to 1290, and then 4x is equal to 1290 minus 6, which is going to be 1284, and then x is going to be 1284 divided by 4. That is clearly 321. So इसका सही आंसर है आपका number 321 ठीक है सो सम ऑफ फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर इतना है तो उसमें से जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो आपका 321 होगा ठीक है सो ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 280 ऑरेंजेस हैं वो डिवाइड किए हैं हमने अमंग सम बॉयज एंड गर्ल्स हुज टोटल नंबर इज 50 सो बॉयज एंड गर्ल्स का टोटल नंबर 50 है सो दैट ईच बॉय गेट्स 5 ऑरेंजेस And each girl gets 7 oranges. The number of girls is dash. So, hum assume kar sakte hain, let's number of boys is equal to x and let number of girls is equal to y. Aur hume yahan par saaf saaf given hai ki x plus y jo hai wo 50 hai. Total number of boys and girls milakar jo hai wo 50 hai. And I have 280 oranges in total. To maine 5 oranges diye har ladke ko. 7 oranges दिए हर गर्ल को तो जितने बॉयज हैं मान लो 10 बॉयज हैं और अगर आपने 5 oranges हर लड़के को दिए तो 50 दे दिए ना तो दैट इज 5 इंटू एक्स आपने oranges बॉयज को दिए 7 इंटू वाई oranges आपने गर्ल्स को दिए और टोटल मिलाकर आपके पास 280 ऑरेंज हुए ठीक है अब आपको कहा है नंबर ऑफ गर्ल्स बताओ तो जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आप ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि आपको y की वैल्यू निकालनी है y इज नंबर ऑफ गर्ल्स तो ये 5x हो जाएगा ये 5y हो जाएगा और ये 250 हो जाएगा ठीक है अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पर आ गया माइनस 2y और यहाँ पर आ गया माइनस 30 माइनस माइनस कैंसिल हो गया और y बचा 30/2 दैट इज 15 सो आपका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी 15 तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास यहाँ पर 15 ठीक है सो ये नॉर्मली जो आपके मैथ्स वाले क्वेश्चंस होते हैं कुछ ना कुछ इक्वेशन बनती है आपकी और उस इक्वेशन से आपको वेरिएबल्स को सॉल्व करना रहता है एंड देन यू गेट योर आंसर ओके नेक्स्ट है अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स 1/3 टू गेट 192 फाइंड द नंबर सो लेट्स से लेट द नंबर बी एक्स ठीक है अब 1/3 ऑफ दैट नंबर अगर उसको हम नंबर से ही मल्टीप्लाई कर दें तो 192 आता है सो 1/3 ऑफ नंबर क्या होगा 1/3x उसको मल्टीप्लाई कर दें x से तो 192 आता है ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 1/3 ऑफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर इटसेल्फ तो 192 आता है सो 1/3x स्क्वायर इज इक्वल टू 192 इसका मतलब है x स्क्वायर इज इक्वल टू 576 दैट मींस x इज इक्वल टू अंडर द रूट 576. So under the root 576 आप निकालेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 24. So 24 आपका
स्क्वायर रूट है 24 किसका, 576 का. तो इसके लिए आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हुए आना चाहिए. यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट, क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेट करना हो सकता है और कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा. सो इसका आंसर जो है वो 24 है. यहाँ तो मैंने आपको बता दिया, बट अदरवाइज यू नीड टू कैलकुलेट. तो आप वैसे ही चेक कर सकते हो. देखो, इसमें पूरा चेक कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है. हमें साफ पता है 16 इंटू 16 मतलब 6 इंटू 6 36 होता है. तो उसका लास्ट डिजिट जो है वो 6 आएगा, है ना. जीरो का इसका लास्ट डिजिट 0 आएगा. 4 इंटू 4 इसका लास्ट डिजिट 6 होगा. 8 इंटू 8 इज 64, इसका लास्ट डिजिट 4 होगा. तो ये दो ऑप्शंस बन रही है, एक 16 और एक 24. तो या तो 16 का स्क्वायर, अब 16 का स्क्वायर तो हमको बाय हार्ट है जी 256 होता है, है ना. और 24 ही बचा फिर जिसका स्क्वायर हो सकता है 576, तो इसलिए 24 आपका आंसर हो गया. तो आप थोड़ी कॉमन सेंस भी ऐसे लगा सकते हो. ओके, नेक्स्ट है. अ बॉय वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 12, बट ही मल्टीप्लाइड बाय 21 एंड गॉट हिज आंसर 63 मोर देन द करेक्ट आंसर. द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड वॉज, अब क्या कहा गया हमें कि भाई एक नंबर है, सो लेट द नंबर इज एक्स. सो लेट द नंबर बी x. He was asked to multiply a number by 12. तो x को अगर हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करते तो वो 12x हो जाता. बट ही मल्टीप्लाइड इट विद 21. तो उसने क्या कर दिया, 21x. एंड गॉट हिज आंसर 63 मोर देन द करेक्ट आंसर. सो 21x जो है वो 63 ज्यादा है किससे, 12x से, है ना. यही हुआ कि भाई अगर आपका नंबर x था और आपने उसको मल्टीप्लाई करना था 12 से, तो आपका आंसर आता 12x, लेकिन आ गया क्या 21x. अब जो 21x आया है वो 12x से 63 ज्यादा है. तो नंबर बताइए क्या था. सो 21 माइनस 12 इज व्हाट, 9x. तो यहां से आपके पास सीधा सीधा वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 7. सो दिस इज योर आंसर. तो इन क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से पढ़ो. आपका सिंपल वाला मैथ्स है, इसलिए इसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं. ये एक्चुअली में मैथमेटिक्स में नहीं आता, इट्स एप्टीट्यूड. कि अगर आप कॉमन सेंस लगा के थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो इजीली यू कैन गेट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. ओके, एंड एक्सचेंजिंग द डिजिट्स इन यूनिट्स एंड टेंस प्लेस द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड न्यू नंबर बिकम्स 27. द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज 2 टाइम्स द डिजिट्स इन द हंड्रेड्स प्लेस. द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन द हंड्रेड्स प्लेस. What is 75% of the original number? So, बहुत कुछ है इस क्वेश्चन में एक साथ, है ना. तो आपको एक तो कहा गया है कि on exchanging the digits and units in tens place, the difference between original and new number is this. ठीक है, the digit in the units place is 2 times the digit in the hundreds place. The digit in the tens place is 3 times the digits. Let the digit at 100 place is x. ठीक है, so let the digit at 100 place is x. अब वो कह रहे हैं digit at the units place. Units place वाला जो digit है वो 2 times the digit at the 100 place है. Then the digit in the tens place is 3 times the digit at the 100s place. ठीक है, the digit in the units place is, ये हमारा original number है. ठीक है, तो original number क्या हुआ, 100x, जो x है वो 100s place पे है ना, तो 100x हो गया. 2x, 3x आपका 10s place पे है, तो ये 30x हो गया. और ये आपका 2x ही रहेगा क्योंकि वो unit place पे है. तो 100x plus 30x plus 2x, ये मेरा original number है. अब वो कह रहा है कि जी आप इसको replace कर दो, किसको, unit place को और 10s place को. तो 100x तो यही रहेगा, ठीक है, ये रिप्लेस हो जाएगा. दिस विल बिकम 20x प्लस 3x. अब इसमें क्या होता है कि ऑन एक्सचेंजिंग द डिजिट्स इन द यूनिट्स एंड टेंस प्लेस द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड द न्यू नंबर बिकम्स 27. मतलब इसमें से इसको माइनस करूंगी तो 27 आएगा. सो देखते हैं ये कितना बन रहा है. ये है 100, 30, 32, 132x, और ये क्या बन रहा है, 123x. सो वी आर गेटिंग कि 132x माइनस 123x इज इक्वल टू 27. कि ये जो नया ओरिजिनल नंबर है माइनस जो इंटरचेंज करके नया नंबर बना है वो 27 डिफरेंस है उसका. सो इसमें से आपके पास फिर क्या आ जाएगा, 9x. 9x इज इक्वल टू 27. तो x मेरा कितना बन जाएगा, 27 अपॉन 9 विच इज 3. ठीक है,
अब हम यहां से अपना नंबर निकाल सकते हैं, तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, हंड्रेड प्लेस पे आपका डिजिट है 3, ठीक है, टेंथ प्लेस पे आपका डिजिट है जो 3 टाइम्स एक्स है, दैट इज 9, यूनिट्स प्लेस पे जो है वो है 396. तो मेरा जो नंबर आया वो 396 है. अब इस 396 का आपको निकालना है 75%. तो 75% ऑफ 396 आप निकालिए, विच विल बी 297. तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है. सो मेन तो 396 तक आने का था, 75% तो उसके बाद आराम से निकल जाएगा. तो 75 अपॉन 100 इनटू 396 इज 297. बट हमने इसको कैसे लिया कि हमारे पास जो नंबर है वो 3 डिजिट नंबर है. हमने 100 प्लेस के ऊपर आपका यूनिट प्लेस और 10 प्लेस डिजिट डिपेंड कर रहा था, तो मैंने 100 प्लेस को एज्यूम कर लिया कि भाई वो एक्स है. सो 100 प्लेस वाला डिजिट जो है वो मेरा एक्स है, यूनिट प्लेस वाला ट्वाइस है उसके, और टेंस वाला थ्राइस है उसके, और उसके बाद जो नंबर बन रहा है वो ये है. रिप्लेस करने के बाद जो नंबर बन रहा है ये है, दोनों के बीच में गैप है 27, अकॉर्डिंग टू आपने इक्वेशन बनाई और वहां से आपने एक्स की वैल्यू निकाली. तो जब आपको 100 प्लेस वाला डिजिट पता चल गया तो आप टेंस एंड यूनिट्स प्लेस वाला डिजिट भी निकाल सकते हो. इंटरेस्टिंग, ठीक है. सो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 36 एंड देयर प्रोडक्ट इज 248. What will be the sum of their reciprocals? देखो, अब इसमें अगर हम assume करते हैं कि भाई एक number x है और एक दूसरा number y है, तो x plus y जो है वो 36 है और xy जो है वो 248 है, ठीक है. और reciprocals का sum निकालना है. reciprocals का sum मतलब आपको निकालना है 1 plus x plus 1 plus 1 plus 1 upon x plus 1 upon y. अब मैं इसमें से पहले x और y की वैल्यू निकालू और फिर यहाँ पे पुट करूं, वो भी मैं कर सकती हूँ, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, पर इसमें स्मार्ट वर्क देखो. अगर मुझे मान लो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई नॉर्मली निकालना होता तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम. एलसीएम क्या हो जाता है, एक्स इंटू वाई, ऊपर एक्स से डिवाइड तो हो जाता है, यहाँ पर वाई आ जाता है, यहाँ पर एक्स आ जाता है. तो बेसिकली न्यूमरेटर में क्या आ जाता है, सम ऑफ द टू नंबर्स. डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, एलसीएम विच इज प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, राइट. सो दिस इज वाई प्लस एक्स एंड दिस इज एक्स वाई. तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, y plus x is what? 36. 36 divided by x and y, which is 248. अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड होता है, 4 9 जा 36 और ये आपका बन रहा है 62, not 82, 62. So which matches with your option number A. So 9 upon 62 should be the answer for this question, right? Okay. A person sold a stove for rupees 423. And incurred a loss of 6%. तो उसने 423 का बेचा है और उसमें उसको 6% लॉस हुआ. At what price would it be sold so as to earn a profit of 8%? तो आपको पहले तो उसका actual price निकालना पड़ेगा क्या है. तो ये जो selling price है ये 6% loss के बाद है, मतलब ये in a way 94% of my original price है, है ना. 6% तो लॉस ही हो गया, तो ये आपके ओरिजिनल प्राइस का 94% है. सो दिस इज 94 अपॉन 100 इनटू एक्स इज इक्वल टू 423. एक्स इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. अब अगर मैं उसको प्रॉफिट पे बेचती हूँ, ठीक है, प्रॉफिट पे बेचती हूँ, एट व्हाट प्राइस वुड इट बी सोल्ड सो एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 8%. तो पहले मुझे एक्स निकालना है, उसके ऊपर फिर मैं 8% निकालूंगी, मतलब उसका 108%, वो मुझे जो निकालना होगा दैट विल बी द थिंग. तो इसमें आप ये कर सकते हो कि x जो है वो एक तरह से आपका क्या हो गया, 423 into 100 upon 94. सो ये मेरा x है. अब इसका 108% निकालना, तो इसका 108% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 108 upon 100 into 423 into 100 upon 94. So ये मेरा original price है, जो भी आएगा calculate होके, मैंने अभी calculate किया ही नहीं. तो ये मेरा original price है, इसका 108% जो होगा वो मेरा वो price होगा जिसपे मुझे 8% profit मिले. 100 और 100 cancel हो गया, ठीक है, बाकी बचे हुए को आप solve कर लेंगे. So ये आपका 94 है, ये आपका ये है, तो ये हो गया 54, ये हो गया आपका 47,
ठीक है, सो ये हम ऐसे ऐसे कैलकुलेट करते जाएंगे और कैलकुलेट करने के बाद ये हमारे पास आंसर आएगा। सो ये आपका मेथड था, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे योर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 486। तो आपने निकाल लिया कि भाई इतने परसेंट लॉस है, तो आपका 94% ऑफ 423 आपका ओरिजिनल प्राइस हो गया। इस प्राइस का 108% आपको निकाल देना है। इस प्राइस का 108% जब आप निकालोगे, ठीक है, ये उल्टा कर दिया मैंने, ये 100/94 होगा। सो वो जब आप निकालोगे वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट भी ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस पे काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो प्रॉफिट फ्रूट सेलर बाइज लेमन्स एट 2 for a rupee एंड सेल्स देम एट 5 for 3 rupees, हिज गेन परसेंटेज इज। देखो इसको करने के बहुत तरीके हैं कि आप एक लेमन का प्राइस निकाल लो, उसने 1 रुपए के 2 खरीदे थे तो मतलब 0.5 का उसको एक लेमन पड़ा। ठीक है, बेच रहा है वो 5 3 रुपए के, सो 5 लेमन वो बेच रहा है 3 रुपीज के, सो 3 रुपीज मतलब 300 पैसे, तो इन अ वे वो कितने का बेच रहा है, 60 पैसे का। तो 50 पैसे का उसको एक लेमन पड़ा और वो बेच रहा है एक लेमन 60 पैसे का, तो आपको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सो प्रॉफिट कितना हुआ, 10। 1050 का कितना परसेंट है, 20। सो योर आंसर इज 20%, है ना। सो ये 20% हो गया, सिंपल। इसको ऐसे भी हम कर सकते थे कि भाई 5 नींबू 3 रुपए के बेच रहा है, लेकिन अगर वो 1 के 2 खरीद रहा है तो उसको 2.5 रुपए के 5 पड़े होंगे। सो 2.5 रुपए के 5 पड़े होंगे और बेच वो कितने के रहा है, 3 के, तो 50 पैसे कमा रहा है 2.5 रुपए पे, तो उसका भी परसेंट निकालोगे तो भी 20% ही आएगा। सो दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस, 20% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ ए सेल्स अ कार टू बी एट 10% लॉस, इफ बी सेल्स इट फॉर ₹54,000 एंड गेन्स 20%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फॉर द कार ए वॉज। तो भाई बी ने 10% पे बेच दी, 10% लॉस पे बेच दी, तो मान लो उसका प्राइस जो था वो एक्स था। 10% लॉस मतलब 90/100 इंटू एक्स, सो 90/100 एक्स पे उसने बेची किसको, बी को। ठीक है, बी ने कितने अमाउंट की खरीदी, इतने अमाउंट की। अब उसने 20% कमाया एंड गेन्स 20%, उसने इसके ऊपर 20% कमा लिया। ठीक है, इसके ऊपर उसने 20% कमा लिया और कितने की बेची ये सब करने के बाद, 54,000 की। तो आपको बताना है कि कार का जो कॉस्ट प्राइस था ऑफ द कार फॉर ए वो कितना था, ए के लिए कॉस्ट प्राइस कितना था। सो दिस वाज 54,000। अब हम यहां पर कर लेते हैं कि भाई जो आपका एक्स है दैट शुड बी 54,000 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 90/120। तो ये जीरो तो इधर ही कैंसिल करा देते हैं हम। ठीक है, 12 के टेबल में 54 तो नहीं आता, बट 9 के टेबल में 9 6 54 होता, सो इट शुड बी 6,000। और इससे कट करेंगे, सो इट शुड बी, इसमें कैलकुलेशन में अच्छा 50,000 आएगा। सो आई हैव डन सम मिस्टेक समवेयर, ओके ओके। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन एंड सी हाउ कैन वी सी इट दिस वे। हम इसको थोड़ा उल्टा शुरू करते हैं रादर देन गोइंग लाइक दिस, क्योंकि इससे तो हमारे पास आंसर आ नहीं रहा। तो री रीड द क्वेश्चन, कभी भी आपको ऐसा हो कि आप फंस जाओ तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से जरूर पढ़ो। हमने पहले ए वाली साइड से शुरू किया था, अब हम बी वाली साइड से शुरू करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इफ बी सेल्स इट फॉर ₹54,000 एंड गेन्स, तो मान लो कि जो बी है उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस पड़ा उसको, मान लो कि बी को कॉस्ट प्राइस पड़ा उसका एक्स, अब उस पे उसने 20% कमाया है, तो 120% ऑफ एक्स इज 54,000। ठीक है, तो यहां से अगर मैं एक्स निकालती हूँ तो 54,000 इंटू 100 अपॉन 120 कर लेते हैं, सो ये आपके पास आ गया 5 और इधर 6। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी
9,000, सो दैट इज 45,000. तो मतलब कि बी को जो कार मिली थी वो 45,000 रुपीज की मिली थी, उसने उसको 54,000 का बेच दिया. सो 45,000 की उसको मिली, उसने 54,000 का बेच दिया, तो उसको 20% ऑफ हुआ. सो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 45,000 है ये सेलिंग प्राइस किसका हुआ, ए का. तो ए ने जो कार है वो 45,000 की बेची है. अब हमें पूछा गया है कि कॉस्ट प्राइस बताओ ए को कितने की पड़ी थी, ए को कितने की पड़ी थी. तो ए को कितने की पड़ी थी वो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 96, 90%, 10% लॉस पे बेचा है ना. सो 90% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 45,000. तो हमें अभी ये पता है कि उसने बेची 45,000 की थी. सो 90% ऑफ एक्स इज 45,000. तो इसमें से अगर आप एक्स निकालोगे तो वो हो जाएगा 45,000 इंटू 100/90, सो विच इज गोइंग टू बी 5,000 इंटू 10, सो दैट इज 50,000. तो 50,000 रुपीज वॉज द कॉस्ट प्राइस फॉर ए. ठीक है, सो हमारा जो अमाउंट आ रहा था पहले वो काफी कम आ रहा था, दैट वाज लाइक समवेयर अराउंड 20,000 और समथिंग. तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए आप उसको रीथिंक करोगे. रीथिंक करके हमने जब पीछे से वैल्यूज निकाली तो वी गॉट दी प्रॉपर आंसर. तो एक साथ पूरा कंबाइन मत करो, पहले आप उसके लिए निकालो कॉस्ट प्राइस कितना था बी के लिए. वंस वी गॉट दैट, जो बी का कॉस्ट प्राइस था वो ए का सेलिंग प्राइस था, तो वहां से हम फिर फर्दर ए का कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं. ठीक है, तो एक बार फिर से बता देती हूँ इसमें हमने क्या किया. हमने यहाँ पर इस सेकेंड वाली स्टेटमेंट को पहले लिया, हमने किया एज्यूम और लेट कॉस्ट प्राइस फॉर बी इज एक्स, तो उसको मिला है 120% ऑफ एक्स एज प्रॉफिट, जो कि बन रहा है 54,000. तो यहां से आपने निकाल लिया वैल्यू ऑफ एक्स जो कि आया 45,000, विच वॉज दी सेलिंग प्राइस फॉर ए. तो वो सेलिंग प्राइस फॉर ए था. फिर अब हमें ए का कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो ए का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम 90/100 एक्स इज इक्वल टू 45,000 लेकर निकालेंगे, और वहां से जो एक्स आएगा आपके पास वो 50,000 होगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू नंबर्स इज 8 व्हाइल देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 144. तो ये तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मैथ्स में, जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होता है कि जीसीडी 8 है, एलसीएम जो है आपका वो 144 है. और अगर आपको वन नंबर पता है, ठीक है, सो दूसरा नंबर आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हो. वी हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर दैट. अगर किसी को फॉर्मूला, सो फॉर्मूला फॉर दिस इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीसीडी क्रॉस एलसीएम. ठीक है, सो ए क्रॉस बी कितना होगा, ए क्रॉस बी इज 16 इंटू बी इज इक्वल टू 8 इंटू 144. तो बी कितना हो जाएगा, 8 इंटू 144 अपॉन 16. तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ गया 2 और यहां से आ गया 72. तो सेकेंड नंबर जो है हमारा वो 72 होगा. So that was the set of 10 questions for today's video. अब आप इनको अच्छे से देखिए, ऐसे ही और questions की practice कीजिए. There are so many sites. आप Google पे search करेंगे, आपको बहुत सारी websites मिल जाएंगी. मैं तो practice कराऊंगी ही, but एक limit तक ही मैं आपको practice करा सकती हूँ, explain कर सकती हूँ. But yes, go ahead, try these questions. I'll also message you some site names in the Telegram group. ठीक है, तो आप वहां से sites के links लेकर वहां से भी practice कर सकते हैं. सो प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस इट, क्योंकि प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू इन दिस. क्योंकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन सब बेसिक मैथ्स और बेसिक रीजनिंग के ऊपर. इसमें आपको प्रॉफिट लॉस, प्राइम नंबर्स, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, राइट, डिस्टेंस, स्पीड, किसी के ऊपर बेस भी क्वेश्चन आ सकते हैं. तो वी विल बी प्रैक्टिसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एवरी डे. एंड ये थे आज के 10 क्वेश्चंस. अगर आपको यूजफुल लगे हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐप डाउनलोड कर लीजिए. क्योंकि अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएंगी और कोर्स के अंदर फ्रीली अवेलेबल है. अब जो न्यूमेरिकल मेथड वाले कोर्स पे जाएंगे उसमें आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ सेक्शन में सारी पीडीएफ अनलॉक मिलेंगी, तो आप उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. दैट्स इट फॉर नाउ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय फॉर नाउ.